एक मास से उत्सव हो रहा था अयोध्या में, एक मास से। मास दिवस कर दिवस भा, मर मन जानै को, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि हो। एक मास हो गया रथ हांकते हांकते, भगवान सूर्य नारायण रथ हांकना भूल गए, थक गए, रात नहीं हो रही है एक माह से अयोध्या में और किसी को पता नहीं चल रहा है। मास दिवस कर दिवस भा, मर्मन जाने को। बड़ा आश्चर्य होता होगा इस बात को सुनकर कि एक मास से रात नहीं हुई अयोध्या में, किसी को पता नहीं चला। बंधुओं माताओं जरा दर्शन करिए इस प्रसंग में, क्यों नहीं पता चला। हम संसार के सामान्य व्यवहार में अपने घरों में भी इस बात को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हमारे घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम हो, कोई वैवाहिक कार्यक्रम हो, कोई आध्यात्मिक पौराणिक कार्यक्रम हो, जब समाज के लोग अपने परिवार के लोग रिश्तेदार इकट्ठे हों तो कार्यक्रम कब आता है कब बीत जाता पता नहीं चलता है। और हम कहते भी हैं कि अरे समाप्त हो गया, अच्छा खत्म। उत्सव का समय आनंद का समय कब बीत जाता पता नहीं चलता है। और मान लो रात में कोई बीमार हो जाए 10 बजे 11 बजे, आपका घर बहुत दूर सुदूर किसी गांव में है, कोई साधन नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई सड़क नहीं, पूरी रात व्यक्ति मरीज लेकर बैठा रहता है, जल्दी सुबह हो जाए, हम जल्दी डॉक्टर के पास चलें, जल्दी सुबह हो, बार बार घड़ी देखेगा, अरे अभी 12 बजा, अभी 2 बजा, अरे आज तो रात नहीं कट रही, यही बोलते हैं लोग, आज तो समय नहीं कट रहा है। समय तो अपने गति से गतिमान है, लेकिन आज समय क्यों नहीं कट रहा है? क्योंकि दुख का समय है, दुख का समय भारी होता है, जल्दी से कटता नहीं है। आनंद का समय कब बीत जाता है पता नहीं चलता है। और बंधुओं माताओं, अयोध्या में तो आनंद नहीं है, वहां तो परमानंद है। परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाए बजावहु बाजा, परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाए बजावहु बाजा। अयोध्या में तो परमानंद था, परमानंद पूरी मन राजा, सारी अयोध्या दर्शन कर रही थी, इतनी आनंदित थी, किसी को समय का भान नहीं हो रहा था, सारी अयोध्या तो प्रसन्न थी, एक व्यक्ति बड़ा उदास था। बंधु माताओं, बहुत दुखी था, परेशान था। कौन? चंद्रमा। चंद्रमा बहुत दुखी था। चंद्रमा पहुंचा भगवान के पास कि सारी अयोध्या दर्शन कर रही, मुझे नहीं हो रहा है। तो भगवान ने कहा, मैंने कोई पहरा बिठाया है क्या? सारी अयोध्या दर्शन कर रही है तो तुम भी करो, तुम भी करो। तो चंद्रमा ने कहा, हम करें कैसे? पहले सूर्य नारायण से कहो वो टलें, जब वो टलें तब मैं प्रकट हूं। पहले वो तो टलें भाई, चंद्रमा तब तक प्रकट नहीं हो सकता जब तक सूर्य नारायण टलेंगे नहीं। तो चंद्रमा कहने लगा, पहले सूर्य नारायण से कहिए वो टलें। भगवान ने कहा, यार ये तो तूने बड़ा कर्रा फंसा दिया, अब सूर्य नारायण से मैं कैसे कहूं कि वो टलें। चंद्रमा ने कहा, नहीं कहना पड़ेगा, नहीं तो मैं आत्महत्या करूंगी, आपको आपको पाप लगेगा, आप मुझे दर्शन नहीं दे रहे,
भगवान ने कहा, अरे यार जरा सोच तो, मैं सूर्य नारायण से कैसे कहूं, मैं उनको आज्ञा कैसे दूं? क्यों? अरे सूर्य हमारे पुरखे हैं, मैं सूर्य वंश में पैदा हुआ हूं, सूर्य हमारे पूर्वज हैं, पूर्वजों को कहीं आज्ञा दी जाती है। और दूसरा, मैं दिन के 12 बजे पैदा हुआ हूं, इस समय उनका अधिकार है, तो मैं कैसे उनके अधिकार को छीन लूं? मैं नहीं कह सकता। बड़ी सुंदर कल्पना है किसी कवि की, किसी संत की। ये भाव की कथा है। भगवान ने कहा मैं नहीं कह सकता हूं, तो चंद्रमा रोने लगा, प्रभु ऐसा मत करो, दर्शन दो। तो भगवान ने कहा हां दर्शन दूंगा, एक शर्त है। क्या? तुमको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। प्रभु प्रतीक्षा? हां कर लूंगा। कब तक? कहे द्वापर तक। द्वापर तक? हां मैं तुझे वचन देता हूं, द्वापर में आऊंगा तो सूर्य वंश में नहीं चंद्र वंश में आऊंगा, और दिन के 12 बजे नहीं रात के 12 बजे आऊंगा, पूरी रात दर्शन करना, जाओ मौज कर। चंद्रमा ने कहा सुनो, ये मीठी गोली तुम बहुत देते हो, ये इतनी लंबी कोई प्रतीक्षा कर सकता है? घंटे दो घंटे, दो दिन, चार दिन, महीने दो महीने तो समझ में आता है, एक युग तक हम प्रतीक्षा करें? हमसे नहीं होगा। इतनी लंबी प्रतीक्षा के लिए कोई आधार चाहिए, कोई अवलंब चाहिए, कोई स्तंभ चाहिए, कोई मजबूत आधार, कैसे इतनी लंबी प्रतीक्षा करें? बड़ी सुंदर बात लगती है। तो किसी कवि ने, किसी संत ने कहा भगवान ने उसको आधार दिया है। किस बात का आधार? चंद्रमा मैं पैदा तो सूर्य वंश में हुआ हूं, लेकिन आज से मुझे कोई राम सिंह नहीं कहेगा, आज से पूरी दुनिया हमको रामचंद्र कहेगी। जा, मैं अपने नाम के साथ तेरा नाम जोड़ देता हूं, और पूरी दुनिया भगवान के नाम के आगे बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। रामचंद्र, क्या भाव है? देखो, इससे बड़ा धन होता कुछ नहीं है, जिसको भगवान का नाम मिल जाए। हमारे वृंदावन में गाते हैं ना, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। यही सबसे बड़ा धन है, ये कोई छीन नहीं सकता, ये आपका धन। हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा। रसिक धन राधा श्री राधा श्री राधा, रसिक धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। मोहन की प्यारी राधा 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 राधा, मोहन की प्यारी राधा 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 राधा, मोहन की प्यारी राधा 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 राधा, मोहन की प्यारी राधा 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 राधा। कृष्ण दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा, कृष्ण दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, यही असली धन है। इस धन को कोई छीन नहीं सकता, कोई बांट नहीं सकता है।
और इस धन को जितना बढ़ाओ बांटोगे उतना ही बढ़ता है। वै कृते वर्धते एव नित्यम, इसको चोर चोरी नहीं कर सकता, न चौरहार्यम इसको भाई बांट नहीं सकता, न भातृभाज्यम न च भरकार इसको चोर चोरी नहीं कर सकता, इसको भाई बांट नहीं सकता। जितना बांटोगे उतना बढ़ता। वये कृते वर्धते एव नित्यम विद्या धनम सर्व धनम प्रधान। पूरे अयोध्या में भगवान के दर्शन के लिए पंक्ति लगी है, पंक्तिबद्ध होकर लोग दर्शन कर रहे हैं, होड़ लगी है। राम दर्स लालसा उछाहू, जल्दी दर्शन करो, जल्दी दर्शन करो, जल्दी दर्शन, कहीं छूट न जाए। और बंधु माताओं, आज भगवान शंकर मैया पार्वती को अपने पास बिठाए हैं और अपने चोरी की कथा सुना रहे हैं। देवी और राम एक कहौं निज चोरी, और राम एक कहौं निज चोरी, सुन गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी, मगन मन भूले, मगन मन भूले। औरों एक कहो निज चोरी, आज भगवान शंकर मैया पार्वती को अपने चोरी की कथा सुना रहे हैं। देवी एक बार जब त्रेता में रामावतार हुआ, हां जी, तो उस समय मैं अयोध्या गया था राम का दर्शन करने के लिए। अच्छा, यहां तक तो बात ठीक थी, यहां तक की चोरी में कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन अगली बात जब भगवान शंकर ने कहा, पार्वती जी एकदम उखड़ गई और देवी मेरे साथ काकभुसुंडी भी गया था, तो पार्वती जी ने कहा कि मुझे क्यों नहीं ले गए, मुझे क्यों नहीं ले गए, तो अब ले तो गए, नहीं थे तो क्या करें, तो कोई ना कोई बहाना तो बनाना था। वो देवी ऐसा है कि वो उस समय तुम पापड़ बना रही थी, तो मैं सोचा तेरे आलू ना खराब हो जाए, इसलिए मैं तुझे नहीं ले। पार्वती जी ने सोचा, अच्छा मेरे पापड़ खराब हो जाएंगे इसलिए हमको नहीं ले गए, कोई बात नहीं, लेकिन हमने भी तुमसे पापड़ नहीं बेलवाए तो हमारा भी नाम पार्वती। अच्छा, ये जो माताएं होती हैं ना, इनकी गांठ बड़ी कर्री होती है, गांठ चाहे बात की गांठ हो, और हमारे गुरुजी तो कहते चाहे रुमाल की गांठ हो, पूरी आरती बीत जाएगी गांठे नहीं खुलती है। मैं लखनऊ में तो अच्छे लोग रहते हैं, मतलब यहां तो बहुत दाता लोग हैं, इनकी गांठ बड़ी कर्री होती, समय आने पर ये बदला जरूर लेती हैं, सावधान रहना।
हो सकता उस समय आपको छोड़ दें, माफ कर दें, क्षमा कर दें, लेकिन जब भी अवसर आएगा, उचित समय आने पर वो बदला लेती जरूर हैं। बंधुओं माताओं, भगवान शंकर ने अपनी चोरी की कथा सुनाई कि जब त्रेता में राम अवतार हुआ तो मैं राम का दर्शन करने के लिए अयोध्या में गया, काक कुसुंडी को लेकर, और वो घटना आपने सुनी है। काकभूषुंडी को लेकर पहुंचे अयोध्या राजद्वार, राजद्वार पर दो द्वारपाल, और जब ये दोनों प्रवेश करना चाहे तो द्वारपालों ने कहा अर्धवृत निकलो यहां से, क्यों आए हो? तो इन दोनों ने कहा सारी अयोध्या दर्शन कर रही, हमको क्यों नहीं दर्शन दे रहे हो, हमको भी दर्शन करना है। तो द्वारपालों ने कहा हम अयोध्या के लोगों को पहचानते हैं, हम तुमको तो कभी पहचानते नहीं, ले आओ अपना आइडेंटिटी कार्ड ले आओ, कहां है तुम्हारा परिचय पत्र। तो इनके पास कोई परिचय पत्र तो था नहीं, तो उन्होंने पूछा अच्छा ये बनता कहां है परिचय पत्र? तो द्वारपालों ने कहा वशिष्ठ जी बनाते हैं परिचय पत्र, यहां अयोध्या के लोगों का और कोई नहीं, हम लोगों का जैसे बनता है ना वो क्या आधार कार्ड, उसके बिना सब निराधार है। आधार यदि आपके पास नहीं है तो सब बेकार। तो सरकार का आइडेंटिटी कार्ड क्या है? आधार। और कलयुग का आइडेंटिटी कार्ड? कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पार हो जाओ, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पार, कलयुग केवल सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पार।